अस्सलाम वालेकुम। आज वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है। सीरीज़ एक एक टेस्ट मैच में बराबर हो गई है। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इंग्लैंड होम ग्राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। लास्ट वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। उसके अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बड़ा अच्छा कमबैक किया। सेकेंड टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली अगर मैं बात करूं बेन स्टोक की, उनके उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और जैसे पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड हारा था तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम यंग टीम गई है पाकिस्तान वहाँ पर खेलने के लिए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। मगर यह है कि उनकी एक्सपीरियंस साइड है, बहुत सारे यंग प्लेयर उन्होंने उनको चांस दिया है टेस्ट मैचेस के लिए, तो पाकिस्तान के भी काफ़ी यंग टीम है, तो जो सूरत हाल थी टेस्ट मैच की वो काफ़ी अच्छी रही वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। और इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हारा, उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग कम बैक किया बेन स्टॉक ने, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में। मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जो तीसरा आने वाला टेस्ट मैच में उसमें भी ये अच्छा खेलेंगे। अगर मेरी कोशिश, अगर मेरे ख्याल में, अगर वेस्ट इंडीज़ थोड़ी जैसे पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग की डिसिप्लिन एक साइड पे बॉलिंग करते तो ये टेस्ट मैच में भी अच्छा टफ टाइम दे सकते थे। उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग थोड़ी वीक जा रही है वेस्ट इंडीज़ की, अगर वो थोड़ा स्टैंड करे तो मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट जो आने वाला टेस्ट मैच में वो अच्छा खेलेंगे। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, यूट्यूब चैनल को आप जो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको फ्यूचर में हर मैच का जो सूरत हाल है वो मैं आपको ज़रूर इसमें बताया करूँगा। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अच्छी अच्छी खबरें सुनने के लिए मेरे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम।